मेरा नाम है अब्दुल कदीर और मैं पिछले लगभग 4 साल से उबर के लिए काम कर रहा हूँ। मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ, मेरे साथ में मेरे बच्चे हैं, मेरी 3 बेटियाँ हैं और 2 छोटे भाई हैं जो मेरे साथ ही रहते हैं। ड्राइवर जो होता है वो पानी की बोतल अपनी सीट के नीचे रखते हैं, हमारी पानी की बोतल आदमी पीना पसंद नहीं करेगा जी, वो तो सीधे से बोलता है कि पानी की बोतल लेनी है। इसमें जितनी भी चीज़ है वो सब फ्री है कस्टमर्स के लिए और वो बाकायदा मैंने उसमें लिख के लगाया हुआ है कि दिस फैसिलिटीज आर एब्सोल्युटली फ्री। इसमें वाईफाई लगाया है, वाईफाई का पासवर्ड क्लियर मेंशन किया हुआ है। एक दिन मैंने नई दिल्ली स्टेशन से कस्टमर को पिकअप किया था, उनको इंटरव्यू जाना था, ट्रेन उनकी पहले ही लेट हो गई थी, उन्हें तैयार होना था जाने के लिए। हम 2-1 होटल में गए लेकिन उन्हें कहीं रूम नहीं मिला इसके लिए, तो वो उस टाइम में उन्होंने मेरी गाड़ी में ही अपने कपड़े वपड़े चेंज करे थे सारी चीज़ें, लेकिन दिक्कत बहुत हुई थी, उनके पास कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं थी, क्रीम वगैरह जो है लगने के लिए। तो उस इंसिडेंस के बाद में मेरे को बहुत चीज़ों का ख्याल आया कि इसमें मैं क्या क्या चीज़ ऐसी रख सकता हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। शूज़ उनके गंदे थे, शूज़ उन्होंने कपड़े से साफ़ करे, वो फिर मैंने इसमें शू पॉलिश भी रखी है, परफ्यूम है। बाद से तो अभी सभी के लिए प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी है, औरों के लिए भी है। दिक्कत हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ये है कि क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जो है फाइनेंस हुई भी हैं, हमें अपनी गाड़ियों की किस्त भी टाइम पे जमा करनी होती है, नहीं हो जमा करेंगे तो गाड़ी उठ जाती है, और फिर बच्चों का खाना पीना का भी है। अभी सिर्फ इतना काम हो पा रहा है कि या तो आप बच्चों को खिला सकते हो या गाड़ी की किस्त जमा कर सकते हो। इसमें से 3 आदमियों ने हमें फीडबैक दिया है, ये हमारी 4th डायरी है। इसमें जितना भी कुछ है इसमें मेरी बड़ी बेटी का बहुत योगदान है, उसका सजेशन बहुत है, सब इंग्लिश में लिखते हैं, मैं इतना जानकार नहीं लेकिन वो पढ़ती है तो मुझे बोलती है कि इसमें ये लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। जब पढ़ते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, ऑफकोर्स जब अच्छा काम करोगे कोई अच्छा लिखेगा तो अच्छा ही लगेगा। बहुत लोग हैं जो फ्री में नहीं चाहते यूज़ करना, वो कहते नहीं भाई हम तो हमें फ्री नहीं चाहिए यार, हमसे पैसे लो या ये हमारी तरफ से रख लो, आप अच्छा काम करो, अपनी अपनी जेब से पैसा खर्च करो, ये रख लो, तो वो मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने दुकान नहीं खोली कि मुझे उनसे पैसा चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे अभी ये ख्याल ही आया कि मैं ऐसा बॉक्स लगाता हूँ कि कस्टमर जो अगर मुझे देता है कि तुम ये रख लो, मुझे ना देके वो आप इसमें ड्रॉप करो और ये पैसा किसी ऐसे बच्चों के लिए जाएगा जो बच्चे पढ़ाई के लिए अपनी कोर्स की किताबें या ट्यूशन के लिए का खर्चा या स्कूल फीस का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर पाते। बयान के ऊपर जो बयान दिया गया था कि आतंकवादियों की पहचान उनके कपड़ों से होगी, आप किसी के कपड़ों से उसकी ये पहचान नहीं कर सकते कि ये आतंकवादी है। हम कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हमें वो संदेश देना चाहिए जो अच्छा है, जो आदमी उससे इंस्पायर हो। उस पर 2 चीज़ें लिखी हैं, उस पर ये लिखा हुआ है कि हम आप जो है किसी के कपड़ों से उसकी पहचान नहीं कर सकते। हर आदमी उसको तो मेरे से पूछ रहा है कि ये क्यों लिखा है, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा देख रहा है कि उसके नीचे भी कुछ और लिखा हुआ है कि हमें हर उस आदमी से इंस्पायर होने की ज़रूरत है जो कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहा है। मैं भी सारा दिन जब मैं खाली होता हूँ यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ, मुझे भी किसी ना किसी चीज़ से कुछ सीख मिलती है। हमें 10 राइडर मिलते हैं, 10 में से हमसे हर तरह के आदमी बात करता है, ये हमारे ऊपर है कि हम राइडर की कौन सी अच्छी बात को अपने पास रखते हैं और कौन सी उसकी गलत बात को निकालते हैं। मुझे तो कल ही पता चला, किसी ने मुझे कॉल करके बतलाया कि भाई ऐसे ऐसे आप काम कर रहे हो और किसी ने आपके लिए ट्विटर पे लिखा है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और बहुत रिट्वीट हो रहे हैं उसके लिए। तो मेरे तो ट्विटर पे मेरी तो आईडी नहीं है, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ ना मुझे पता। उमर ऑफिस से मुंबई से उन्होंने मुझे बतलाया था
उन्होंने फिर मुझे इसका लिंक भी भेजा जब मैंने देखा, और जब मैंने इसको देखा और ये रिट्वीट इनके पढ़े जिन लोगों ने किया लिखा है मेरे बारे में, तो फिर मुझे दोबारा ऐसा लगा कि नहीं यार लोग तुम्हारे काम को पसंद कर रहे हैं और तुम्हें काम करना चाहिए दोबारा से ही।